जय माता दी गाइस कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे माता रानी सबको खुश रखें गाइस सुबह के साढ़े पाँच बज रहे हैं और आज हम लग गए अपने किचन में और ये ब्लॉग है गाइस नौमी वाले दिन का तो हमने कन्या तो अष्टमी वाले दिन ही खिला दिया था आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा है कि हम मंदिर में ही खिला दिए थे और अब बना रहे हैं पूजा के लिए पूड़ियाँ क्योंकि हम लोगों के यहाँ नवमी वाले दिन ही माँ भगवती को प्रसाद लगता है यानी पूड़ी बनाते हैं हलवा बनाते हैं और रात में हमने चना भी काले वाले भिगो दिया था और चने की दाल है उसको भी भिगो दिए थे पानी में तो ये गुड़ डाल करके चने की दाल का भी प्रसाद बनाना है तो जैसे बजरंगबली हैं है भैरव बाबा हैं तो ऐसे करके भोग लगाएंगे सभी भगवान जी का और यहाँ पर हम बना रहे हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ देसी घी से हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं तो नौ पूड़ियाँ तो माता रानी का भोग लगाने के लिए बनाएंगे और इसके बाद भैरव बाबा का है बजरंग का है राम जी का है पांच पूड़ी हैं दो पूड़ी हैं इस प्रकार से हमको छोटी छोटी पूड़ियाँ देखिए बनाना है तो पूड़ियाँ बनाने में ना टाइम लगता है इसीलिए टाइम से हम अपना लग गए थे अपने किचन में हमने सोचा जल्दी सब अपने काम कर लेते हैं सूर्य भगवान नदी के हम मंदिर में पहले अठवाई अपनी चढ़ाते हैं लेकिन हमको तो लगता है कि ये बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा और रवे का हलवा भी हमको बनाना है तो रवा भी हमने चाल करके साफ करके रख लिया है और पहले बना लेते हैं पूड़ी और मीना भी जल्दी जल्दी लगी हुई है क्योंकि आज ही हमको हवन भी करना है हवन सामग्री तो वैसे हमने पूरी तैयारी रात में ही कर लिया था क्योंकि सुबह के लिए अपने काम बहुत होते हैं तो पूड़ियाँ हमने बना लिया और इसके बाद इसी कढ़ैया में हमने डाल दिया है रवा क्योंकि हमारे यहाँ ना कढ़ैया को ठंडवाया जाता है रवा यानी हलवा बना करके जैसे सासू माँ हमेशा करवाती है ना वैसे हम कर रहे हैं क्योंकि इस बार सासू माँ हमारी गई हुई है यानी अपने ससुराल में हैं और हमको भी जाना है देखिए कब जाना है तैयारियाँ हमारी चल रही हैं बहुत धूमधाम से और लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि दो दिन से हम क्यों नहीं वीडियो एडिट कर पा रहे हैं क्योंकि दो दिन से हम बहुत ही काम काजी हो गए हैं बहुत बड़े काम में लगे हुए थे वो तो जब आप लोग ना एक दो दिन में हमारे ब्लॉग देखेंगे तो खुद ही समझ जाएँगे तो यहाँ पर अच्छे से हमारी चने की दाल भी फूल गई थी उसमें भी हमने गुड़ इस समय हमारे पास नहीं ख़त्म हो गया है क्योंकि रात में हमने जो हवन में गुड़ वगैरह सब डाल लिया और हमने ध्यान भी नहीं दिया कि सुबह हमको चने की दाल में भी गुड़ डालना है तो इसमें हमने शक्कर डाल दिया है और शक्कर डाल के भोग बना लिया है और यहाँ पर बन गया हमारे रवा वाला हलवा तो जल्दी थाली में सब रख लेते हैं पूजा का सामान और हमारे यहाँ ना ऐपन भी बनता है तो चावल को हमने रात में भिगो दिया था चावल पीस ली है मीना आयपन भी बन गया है क्योंकि आज के दिन ना आयपन लगा कर की पूजा की जाती है तो इस तरीके से हम दो थाली में सजा लेते हैं क्योंकि जहाँ पर हम कलश स्थापना किए हैं तो वहाँ के लिए हमको माँ भगवती का पूरा भोग और ऐसे सब एक थाली में सजाना है और मंदिर भी जाना है तो पहले हम मंदिर होकर के आते हैं इसके बाद लग गए अपने घर की पूजा पाठ में क्योंकि मंदिर सुबह अगर हो के आ जाओ घर में तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि फिर बाद में ना मंदिर में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है और भीड़ में ना अच्छा नहीं लगता है कि धक्का मुक्की खा करके और भगवान जी की पूजा करो अच्छा भी नहीं लगता वैसे सुबह ही मंदिर आप होकर के चले आओ तो ज़्यादा ही सही रहता है तो यहाँ पर अग्नि माता भी प्रज्वलित हो गई हैं और बस अग्नि माता की करते हैं पूजा इसके बाद करते हवन और इससे समय ना थोड़ी हमारी वीडियो लेट लपेट पहुंच रहे तो वह आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि काफ़ी नेट की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है नौमी वाले दिन ना तो वैसे भी पंडित जी को बुला करके ही हवन करवाना चाहिए लेकिन आज के दिन ना पंडित जी बहुत ही बिजी रहते हैं तो जल्दी करते हैं हवन फिर करते हैं हम आरती भी आ गई हैं घर तो जल्दी करते हैं पूजा आप लोग भी करिए दर्शन जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो। जय माता दी बोलो वो कितनी प्यारी सी करने जय माता जय माता दी बोल दो जय माता दी <skều> जय माता दी हम लोगों की अभी शुरुआत से हम लोग खिलाए एक एक बड़े चाव से खाए यहाँ नारियल का नारियल नहीं तोड़ा तो हाँ। धन गरी गरी हो जाती नहीं नहीं सर देना चाहिए बहुत जरूरी होता पंद्रह दो नारियल रखे अरे मतलब तोड़ने के लिए नारियल इतने चढ़े हुए नारियल आदमी থার जब घर में हवन कर रहे थे तो उतनी समय हमारे बच्चे रेडी नहीं हो पाए थे तो फिर इनको लेकर के हम मंदिर गए हवन भी करवाएं आरती भी करवाएँ क्योंकि बच्चों को भी ये सिखाना बहुत ही जरूरी है अगर हम इन लोगों को मंदिर नहीं ले जाएंगे नहीं सिखाएंगे तो आजकल के बच्चे ना कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं तो शुरू से ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए पूजा पाठ तभी ये धर्म कर्म के कामों में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर रीता भी आ गई थी ईसा को लेकर के तो कन्या माता की हमने पूजा कर लिया और उनको भी दक्षिणा वगैरह दे करके कन्या ने अपना बाहर बैठी हुई हैं और यहां पर हम मीना यानी मीना को जाना है मायके देवी पूजन में तो भाभी लोगों के लिए ना साड़ी वगैरह लाई थी तो वही सब रीता को दिखा रहे हैं इस समय ना हम लोगों की काफ़ी तैयारियां भी चल रही हैं और ससुराल भी जाना है वहाँ पूजा पाठ भी करवाना है भोले बाबा मंदिर में स्थापित करवाना है तो वहाँ की भी हमारी तैयारी चल रही है मीना की मायके की भी तैयारी चल रही है माँ भगवती का पूजा पाठ और कितना भी आप मंदिर में कन्याओं को खिला दो लेकिन नौमी वाले दिन कन्याओं को जरूर घर में लाना चाहिए और जो भी वो खाएं प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए दक्षिणा वगैरह भी देना चाहिए तो यहाँ पर पूजा पाठ सब हो गया रीता भी अब जा रही है घर और इसके बाद गाइज हम लोग निकल लिए हैं हम बच्चे बीना सब लोग निकल लिए हैं हम लोग जा रहे हैं अपनी ससुराल और इतनी जल्दी हम लोगों की तैयारी बन गई है कि पूछिए नहीं दोपहर के साढ़े बारह बज रहे थे और सुबह से पूजा पाठ सब करने के बाद हमने तो कलश भी खिसका लिया था लेकिन अभी तक हम लोगों ने पारण नहीं किया है देखिए अपने ससुराल पहुंचने के बाद ही हम पारण करेंगे तो जो कन्याओं का प्रसाद था चढ़ावा था माता भगवती का प्रसाद था सब हमने पैक कर लिया है सो so आज हम लोग पहुँचने वाले हैं राय बरेली और पहले हम अपने जाएँगे नंदरानी के यहाँ और वहाँ से उनको भी लिवा करके हमको जाना है अपनी ससुराल तो हमारी ना फोन से ही बात हो गई थी उनकी सासू माँ बोली कि ले जाओ तीसरा महीना लग गया हमारी सीरी बिटिया का तो जाए अपनी नानी के यहाँ घूम करके आए तो उनकी सासू माँ को भी ले जाते हैं और अपनी नंदरानी को भी तो सब तैयार हो रही हैं इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम ना साढ़े तीन बज गए थे और ये हमसे बोल रहे हैं कि जल्दी करो अभी हम ना हम मानिकपुर से भी अभी हमको शॉपिंग करना है और भोले बाबा तो हम ले आए थे काशी विश्वनाथ से लेकिन पार्वती मैया को लेना है तो देखिए अभी हम लोग कहाँ की शॉपिंग करते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा और यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब लोग आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं और अपनी नंद रानी को हम कह रहे हैं कि जल्दी रेडी हो जाओ और ये हमारी नंद रानी छोटी वाली खड़ी हुई है मोना और यहाँ पर उनकी सासू माँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं बोल रही हैं कुछ पानी वगैरह पी लो हमने कहा अब नहीं पिएंगे वहीं चल करके पिएंगे और यहाँ देखिए जवारा कितने सुंदर सुंदर निकले हुए हैं यानी हमारे यहाँ के जवारा तो इतने सुंदर नहीं निकले हुए थे लेकिन हमारी नंद रानी की सासू माना बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी बहुत पूजा पाठ करती हैं तो यानी ज़मीन में ऐसे बालू डाल करके और उन्होंने जवारा कैसे उगाया देखे कितने सुंदर माँ भगवती के जवारे हैं और ये माँ भगवती का मंदिर है तो हम कहीं भी जाते हैं ना किसी के भी घर जाते हैं पहले मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं क्योंकि अच्छा रहता है कहीं भी आप जाइए तो देखिए किसी के घर के मंदिर के दर्शन करिए तो बहुत ही अच्छा रहता है तो अब हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं श्री बिटिया को लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी जल्दी किए हैं तो वही सब लोग रोक रहे हैं कि थोड़ी समय तक बैठिए चाय नाश्ता कर लीजिए हमने कहा नहीं अब चलने दीजिए क्योंकि अभी काफ़ी शॉपिंग हम लोगों को करना है तो यहाँ पर ये सब लोग रेडी हो गई हैं यानी नंदरानी और उनकी सासू माँ तो बस हम लोग बेटू तो क्यों रो रहे हो हुँ? चलो घूम घूम करके आते हैं नानी के पास जा रहे हो नानी के पास हमने कितनी सुंदर पार्वती मैया ले लिया है और भोले बाबा तो हम ले आए थे काशी विश्वनाथ से लेकिन आज रीता घर आई थी ना तो रीता बोल रही थी कि भाभी पार्वती मैया आप मेरी तरफ़ से लीजिएगा मैं दक्षिणा दे रही हूँ और आपको पार्वती मैया को लेना है क्योंकि ईश्वर का देखिए मंदिर बनवाना है या प्राण प्रतिष्ठा करवाना है तो अपना खुद का कार्य नहीं रहता हम लोग कौन होते हैं ये सब कार्य करने वाले ईश्वर तो हमको खुद ही वही देता है और वही लेकिन अगर हम किसी से मांग करके ये चीज़ें करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और पूरा भी अपना होता है क्योंकि ईश्वर का कार्य एक आदमी नहीं कर सकता है हम कुछ भी नहीं है वो तो खुद करवाने वाले होते हैं और हम लोग ना यहाँ पर बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं इसके बाद गाइस पहुँच गए हैं अपने ससुराल तो यहाँ पर देखिए श्री भी आ गई हैं और सब लोगों का नाश्ता पानी हो रहा है मानिकपुर से जो पूजा का सामान लाना था वो भी हम ले आए हैं और इसके बाद चलते हैं किचन में जो पूजा पाठ का अपना लाए हुए थे पारण करने के लिए माँ भगवती का प्रसाद तो हम मीना जा रहे हैं पारण करने और हमारी चाची जी ने पारण कर लिया था गाय आप लोग भी आ जाइए चलिए माँ भगवती का भोग लगाते हैं करते हैं पारण टाइम ना नौ बज रहे थे इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए जय माता दी गाय